पुराने टाइम पे ऋषि मुनि बालों के लिए तेल कैसे बनाते थे? जड़ी बूटियां इकट्ठी की, कुटा छेता उनको, उनका अर्क निकाला और प्योर ऑयल, जिसको हम आज की भाषा में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल बोलते हैं, उसमें मिला देते थे, बिना किसी एडिड कलर के, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, बिना किसी फ्रेग्रेंस के। और उसका इफेक्ट कैसा होता था कि लोग लंबे टाइम तक गंजे नहीं होते थे, लंबे टाइम तक उनके जो हेयर हैं वो सफ़ेद नहीं बनते थे, उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं आती थी। मतलब कि सुनने में आता है, जैसा कि आयुर्वेद में अगर आप उठा के देखेंगे कि सभी लोगों के, लेडीज के, बच्चों के या फिर जेंट्स के जो हेयर थे वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी घने होते थे। कुछ ऐसी ही प्रोसेस से बनाया हुआ एक तेल मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। सेम इसी प्रोसेस से बनाया गया है जैसे कि पुराने टाइम पर बनाते थे। और इस ऑयल का जो इफेक्ट है, अभी मैं सिर्फ हेयर वॉश करके बैठी हूँ, आपको देख रहा होगा कि हाँ हेयर थोड़े से गिले हैं, मैंने उसको यूज किया है 3 से 4 दफ़ा सिर्फ मैंने उसको यूज किया है। और अगर कोई प्रोडक्ट या कोई शैम्पू, हेयर ऑयल कोई अपना इफेक्ट दिखाता है, वो सिर्फ 2 या 3 बार के यूज करने में ही अपना इफेक्ट दिखा देता है, उसी का इफेक्ट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो फिर चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का। तो जिस हेयर ऑयल के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये कुछ ऐसी प्यारी सी, लाइक राजा महाराजा जब गिफ्ट देते थे कुछ ऐसे ही, वो रेशमी कपड़े में लपेट के अच्छे से कवर करके देते थे। तो मतलब बहुत प्यारी सी पैकेजिंग इसकी बना के दी है इन लोगों ने। और जो ये रेशमी सा प्यारा सा कपड़ा है, आप इसको यूज कर सकते हैं, बड़ा अच्छा कपड़ा है। ऊपर से खोलेंगे तो ये बड़े आराम से खुल जाएगा। फिर इसके ऊपर आपको एक ऑयल के ऊपर ये कवर है, इसके अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये ऑयल कैसे बनाया गया है, क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं, कैसे आप इसको लगा सकते हैं, कितनी बार आपको ये लगाना है और कैसे लगाना है। जैसे आप कवर को हटाएंगे तो प्यारी सी बोतल मिलेगी जिसके ऊपर लिखा गया है यशवेदा। मतलब नाम सुनते ही थोड़ा सा मन खुश हो जाता है ना, क्योंकि आयुर्वेदा, यशवेदा मिलता जुलता सा नाम है। और सेम जैसे पुराने टाइम पे ऑयल बनाए जाते थे, सेम वैसे ही ये ऑयल बनाया गया है। और जो इसके ऊपर कवर है ना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके ऊपर मिल जाती है, क्या क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या ये आपके हेयर पे काम करेगा, कैसे कैसे आपको ये यूज करना है। तो जब आप इसको निकालेंगे ना, बड़ा प्यारा सा कलर है, कोई इसके अंदर फ्रेग्रेंस नहीं है, बिल्कुल प्यारी सी भीनी भीनी सी जो जड़ी बूटियों वाली फ्रेग्रेंस होती है, सेम वही फ्रेग्रेंस है। अगर मैं बात करूँ इसकी जड़ी बूटियों की, इसके अंदर 16 जड़ी बूटियाँ ली गई हैं। और इस ब्रांड की है ना, मुझे सबसे अच्छी बात पता क्या लगी कि इसने खुद लिखा हुआ है कि अगर आप एक प्रॉपर डाइट लेंगे, मतलब कि डाइट भी आप लोगों के लिए उतनी ही मायने रखती है जितना कि हेयर ऑयल, अगर आप एक प्रॉपर डाइट लेंगे और ये ऑयल लगाएंगे तो आपके हेयर की जितनी भी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है ना, वो बिल्कुल गायब हो जाएंगी। क्योंकि इसके अंदर 16 जड़ी बूटियां ली गई हैं, कोई एडिड कलर, प्रिजर्वेटिव, कोई भी फ्रेग्रेंस इसके अंदर ऐड नहीं की गई है। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जैसे कि कोकोनट ऑयल, जोजोबा ऑयल, ओलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, सारे कोल्ड प्रेस्ड ऑयलों का जो मिश्रण है वो इसके अंदर लिया गया है। बहुत सारे ऑयल डाले गए हैं, 16 जड़ी बूटियाँ डाली गई हैं। अगर आप इसको वीक में 2 से 3 बार यूज करते हैं तो आपको 1 मंथ के अंदर बड़े बेहतरीन से रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छा हेयर ऑयल है। मैं आप लोगों के लिए कोई भी प्रोडक्ट ऐसे उठा के नहीं लेके आती हूँ, मैंने अभी अभी हेयर वॉश किया है थोड़ी देर पहले ही। इस ऑयल को मैं कम से कम 4 बार मैं लगा चुकी हूँ और कोई भी चीज़ 2 से 3 बार में ही अपना रिजल्ट दिखा देती है कि वो नेगेटिव रिजल्ट देगी आपको कि या फिर पॉजिटिव रिजल्ट देगी। कोई भी नेगेटिव रिजल्ट इस ऑयल ने नहीं दिया कि इसने मेरा हेयर फॉल बढ़ा दिया या फिर। और हाँ, मैंने महसूस किया कि इसको लगाने के बाद मेरे जो हेयर हैं वो इंस्टेंटली एकदम से थोड़ा सी ब्लैकनेस आ गई है, थोड़े से शाइनी बन गई है। तो काफ़ी अच्छा हेयर ऑयल लगा है मुझे। और हाँ, आपके बजट, हाँ, ये है 200 ml की बोतल है जिसका प्राइस है 1250 रुपये, 1250 रुपये। लेकिन अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, ये बोतल आपकी कम से कम 3 महीने बड़े आराम से निकाल देगी अगर आप सिर्फ 1% लगाएंगे और वीक में 2 से 3 बार अगर आप इसको यूज करेंगे। क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी थिक है, आपको बिल्कुल थोड़ा ही ये लेना पड़ेगा और थोड़ा सा ये आपका लगाना पड़ेगा अपने हेयर पे, तभी आपके हेयर पे ये अच्छे से फैल जाएगा, ज़्यादा आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। काफ़ी अच्छा हेयर ऑयल है, अगर आप इसको चाहते हैं लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। हाँ, थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, 3 महीने ये चलने वाला है, उसके हिसाब से डेफिनेटली आप इस हेयर ऑयल को ले सकते हैं।
तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ एक और प्यारी सी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए उसका पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें। बाय।